सो हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम मनीष एंड यू आर वेलकम इन केटीएन डॉट चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के लिए दो मेथड्स बताने वाला हूँ, जिनमें पहला मेथड तो डिटेल मेथड है और जो सेकंड मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि कोई भी इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी किसी भी ब्राउजर में जाना है। आप कोई सा भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप क्रोम यूज़ करें चाहे फायरफॉक्स। वहाँ पे आपको सर्च करना है instagram.com और इसे सर्च कर देना है। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी के यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर लेना है। इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आपको जाना है फॉरगॉट पासवर्ड पर। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने यूज़र नेम या फिर जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है उसे यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पे सेंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इससे आपके जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है वहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम पासवर्ड पता है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लॉगिन कर लें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो यहाँ से हम कर लेते हैं लॉगिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे बॉटम राइट में एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर में एक सेटिंग का आइकन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको थोड़ा स्क्रोल करना है और यहाँ पर हेल्प सेंटर का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो हेल्प सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में चार पांच ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है मैनेजिंग योर अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। और फिर से यहाँ पर भी आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है जो कि है डिलीट योर अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो लगभग आपको हर बार ही सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेकेंड ऑप्शन ही चूज़ करना है, हाउ डू आई डिलीट माई अकाउंट। और इसे थोड़ा स्क्रोल करना है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं गो टू डिलीट योर अकाउंट पेज। तो आपको यहाँ पर फाइनली इस पर क्लिक करना है, जहाँ से आप अपने अकाउंट को डिलीट करने की साइट पे पहुँच जाएंगे। तो ये अब फाइनल के बस कुछ स्टेप्स हैं जहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है वाई आर यू डिलीटिंग योर अकाउंट। तो यहाँ पर आपको अपना रीज़न देना है, आप क्यों अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी रीज़न समझ नहीं आ रहा तो सबसे आप लास्ट में समथिंग एल्स पर क्लिक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर करा है। तो बस अब आपको अपना आखिरी स्टेप पूरा करना है, जिसमें बस आपको अपने यहाँ पे पासवर्ड डाला है इंस्टाग्राम अकाउंट का। तो अगर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर जाकर उसे रिकवर कर सकते हैं। और अब अपना पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है परमानेंट डिलीट माई अकाउंट और उसे श्योर कर देना है, आई एम श्योर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इंस्टाग्राम सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है और यहाँ पर लिख कर भी आ गया योर अकाउंट हैज़ बिन रिमूव, वी आर सॉरी टू सी यू गो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन करता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर लेके आ रहा है, इसका मतलब हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, जिसकी वजह से मैं अपनी पहले वाली आईडी से लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला था सेकेंड मेथड काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया है जिस पे आपको क्लिक करना है, जिससे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के डायरेक्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। और बस यहाँ पर आपको अपने यूज़र नेम और आईडी से लॉगिन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली अपने अकाउंट को डिलीट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे आप पहले की तरह डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।